हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट आज की वर्कशीट है आपकी वर्कशीट आप नंबर वन थर्टी सिक्स इंग्लिश की वर्कशीट है क्लास ट्वेल्व की डेट है आपके अठारह दिसंबर टेक्स्ट बुक मेरे को से ली गई है यूनिट एट है द लिटिल बुली द लिटिल मतलब एक छोटा बोली बुल उसे कहते हैं बच्चे जो जो दूसरे बच्चों को परेशान करता है ठीक है पेज नंबर वन थर्टी फाइव में दिया गया है यहाँ पर आपको अपना नाम और यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है ठीक है गुड मॉर्निंग लवली स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग पहले बच्चों यू मस्ट बी डूइंग ग्रेट आप आशा है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे लेट्स ऑब्जर्व टू थिंक टू पिक्चर्स गिवन विलो नीचे आपको दो पिक्चर दी गई है इनको ऑब्जर्व करना है इनको देखना है वट इज़ द डिफरेंस बिहेवियर डिफरेंस ऑफ बिहेवियर यहाँ पे दोनों पिक्चर में क्या क्या डिफरेंस है बिहेवियर में ठीक है इन टू पिक्चर्स गिवन विल डिस्कस विद योर पेरेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है तो क्या डिफरेंस है बच्चे मैं बताती हूँ आपको इसमें ये देखिए ये आपस में लड़ाई झगड़ा करना एक दूसरे को धक्का करते रहे हैं और यहाँ पे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे जो है ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं क्या कर रहे हैं फाइट कर रहे हैं और यहाँ पे क्या है फ्रेंडली बिहेवियर है ठीक है फ्रेंडली बिहेवियर तो इस तरीके से आप बता सकते हैं अब आगे चलते हैं लेट्स रीड द स्टोरी ऑफ हरी आपको जो है हरी की स्टोरी पढ़नी अ लिटिल बट स्ट्रॉग बॉय एक छोटा सा बच्चा था लेकिन वो स्ट्रॉग था हु टीज क्लासमेट जो कि अपने क्लासमेट को बहुत ही परेशान करता था बाय पिंचिंग कभी पिंच करता था उन्हें कभी उन्हें जो है प्रिकिंग डैम विद अ पेन कभी पेन हो पाता था कभी पिंच करता था वन डे द क्लास वेंट फॉर अ पिकनिक एक दिन जो है उसी क्लास के बच्चे कहाँ गए पिकनिक पे ऑल द का ऑल द किड्स वर वेरी एक्साइटेड बट नोबी वॉन्ट्स टू प्ले विद हिम जो है सारे बच्चे बहुत ही खुश थे बट कोई भी उस हरी के साथ मतलब इस जो बच्चा है हरी उसके साथ खेलना नहीं चाहते थे सिर्फ विद हिम ऑन द ट्रेन और शेयर डेयर लंच विद हिम मतलब वहाँ पर जो है कोई भी बच्चा उसके साथ खेलना नहीं चाहता था है ना ना ही उसके साथ रहना चाहते थे ना ही कुछ शेयर करना चाहते थे और फिर उसके बाद है सिट विद हिम ऑन द ट्रेन उसके साथ ट्रेन पर बैठे शेयर देयर लंच विद हिम और उसके साथ लंच भी उन्होंने शेयर किया अब आगे चलते हैं एक क्वेश्चन दिया गया है वाई डू यू थिंक नो बडीज टू हरी फ्रेंड ठीक क्यों कोई हरी का फ्रेंड नहीं बनना चाहता था शेयर ओपिनियन विद योर टीचर अपने टीचर के साथ आपका जो है ओपिनियन शेयर करना है तो आप लिखोगे बिकॉज यहाँ पे जो आंसर लिखोगे यहाँ पे लिखोगे आप, लिखो आप बिकॉज ही ठीक है आप लिखोगे बिकॉज ही टीजेज हिज क्लासमेट्स ठीक है यहाँ तक आप ये आंसर लिख दोगे इसके बाद उसके बाद है टिक द करेक्ट ऑप्शन वन करेक्ट वन यहाँ पे जो करेक्ट वन पे आपको टिक करना है हरी इज स्ट्रॉग बो है बिल्कुल हरी जो है स्ट्रॉन्ग बच्चा था हरे टीजेस हिज क्लासमेट हरी अपने क्लासमेट को टीज करता था परेशान करता था बिल्कुल सही है भी राइट द मीनिंग ऑफ वर्ड फ्रेजेस यहाँ पे जो फ्रेजेस दिए गए हैं वर्ड्स दिए गए हैं इनके मीनिंग आपको बताने हैं टेक द हिंट ऑफ हेल्पबॉक्स यहाँ पे हेल्पबॉक्स दिया गया है हिंडबॉक्स दिया गया है इसकी मदद लेनी है आपको एक आपके लिए करके दिया गया है एन एरिया ऑफ डिसकलर्ड स्किन ड्यू टू इंजरी जैसे हमें चोट लग जाते हैं ना तो उस एरिया में जो हो जाता है कलर चेंज हो जाता है ब्लैक कलर हो जाता है या फिर व्हाइट हो तो जाता है तो उसे हम कहते हैं ब्रूशी ठीक है ट्रेवल ट्रैवल ट्रैवल का मतलब होता है डरा हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा हरेड ठीक है तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे हरेड हरेड नेक्स्ट है पिंच शार्पली तो पिंच शार्पली यहाँ पे हो जाएगा इसका मीनिंग हो जाएगा निपड ठीक -E है एन आई डबल पी ई डी उसके बाद है रफ एंड डीप साउंड रफ एंड डीप साउंड हो रैश ठीक है हो रैश जब हमारा गला बैठ जाता है हमारा गला खराब हो जाता है रफ साउंड आती है अजीब सी साउंड आती है तो उसे हम कहते हैं हो रैश ग्रिप टाइटली एंड शार्पली बिटवीन फिंगर एंड थम जब हम फिंगर और थम के बीच में किस स्किन को रख के टाइटली शार्प कर ले मतलब उसे नोज़ एक तरीके का पिंच करना होगा तो इसका मीनिंग हो जाएगा पिंच अब आगे देखिए क्या लिखा है यू नो द यू नो दैम दे आर बुलिस क्या तुम्हें जानते हो ये दे आर बुलिस ये क्या है बुलिस बुलिस का मतलब होता है जो दूसरों को परेशान करते हैं दे हर्ट यू बाय देयर वर्ड्स एंड एक्शन ये तुम्हें हर्ट कर सकते हैं कैसे अपने एक्शन से या फिर अपने शब्द से वट यू डोंट यू डोंट नीड टू कीप मम बट तुम्हें जो है चुप नहीं रहना टेल योर टीचर्स एंड योर पेरेंट्स अपने टीचर्स से और पेरेंट्स से बता सकते हो कीप सॉरी स्पीक अप एंड फाइट विद डैम और उनके सामने बोलो चुप नहीं रहना है और आपको बोलना है उनसे लड़ाई करनी है मतलब ज़्यादा लड़ाई नहीं करनी है। उनसे बोलना है कि तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो इस तरीके से यानी कि आप हाथ पे चलाने लग जाओ जैसा वो कर रहे हैं वैसा आप भी बिहेवियर करो आप आराम से बोलोगे कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो से नो टू बुलिस आपको जो है बुलिस से दूर रहना है और ना ही दूसरों को परेशान करना है और ना ही दूसरा कोई परेशान करे तो उसे सहना है तो आगे देखते हैं बच्चों रीड अलाउड द पोएम गिवन अवर ये जो पोएम दी गई है इसको पढ़ना है रिमेंबर वी शुड नेवर बोली एनी और रिमेंबर रखना याद रखना है कि किसी को भी हम बुली नहीं करेंगे मतलब परेशान नहीं करेंगे इफ़ समन बुलिस अगर कोई आपको बुली करता है देन वी शुड इमिडिएटली टेल द टीचर्स एंड आर एल्डर्स तो अगर आपको कोई परेशान करता है तो आप अपने टीचर्स को बताओ और अपने बड़े को बताओ अभिभागों के लिए क्या सुझाव दिया गया बच्चों बच्चों को प्रोत्साहित करें कि यदि कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति उनके साथ किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार करता है तो उसके बारे में अपने माता पिता या शिक्षक शिक्षिका के साथ को जो है अवश्य बताएं मतलब जैसे कोई बच्चा होता है अगर कोई उनको परेशान करता है तो वो किसी से कुछ नहीं कहते हैं लेकिन अगर आपको कोई परेशान करता है तो आपको जो है अपने टीचर्स को अपने माता पिता को ये चीज़ बताने चाहिए ठीक है बच्चों तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगे मतलब तब नेक्स्ट वीडियो में बाय बच्चों टेक केयर